सबसे स्वच्छ नदी के नाम से पहचान रखने वाली राइन नदी का पानी एकाएक काला हो गया। यह कोई प्राकृतिक परिवर्तन नहीं है, यह राइस मिल के ड्रेनेज सिस्टम का पानी नदी में मिलने के कारण नदी प्रदूषित हुई है। नदी में सफेद कलर के फसूकर भी देखे जा रहे हैं, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि नदी के जो केमिकल पानी है उसमें किसी प्रकार का केमिकल है। इस प्रकार से अगर नदी प्रदूषित होती है तो आसपास के गांव और उसका पानी पीने वाले जानवर भी इससे प्रभावित होते हैं। नदी का पानी आगे के गांव तक जा रहा है। यह नदी नर्मदा नदी में जाकर मिलती है, जिससे नर्मदा नदी भी प्रदूषित हो सकती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह पूरी जानकारी सुहागपुर की संपूर्ण व्यवस्था को है, परंतु इस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जानकारी के अनुसार संबंधित अधिकारियों ने इस पर कार्रवाई करने की बात कही है, परंतु अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आप वीडियो में देख सकते हैं किस प्रकार से नदी प्रदूषित हुई है और इसका पानी आगे के गांव तक जा रहा है। दूसरी खबर सुहागपुर के एमपीएवी से संबंधित है, जिसमें एमपीएवी द्वारा 11 केवी के तारों को बिना सुरक्षा तार अर्थात जाली के बिना ही सड़क के इस पार से उस पार कर दिया गया है। एमपीएवी से बात करने पर एमपीएवी विभाग के अधिकारियों ने जानकारी दी है कि यह कार्य जो है विगत पुराने अधिकारियों के सानिध्य में हुआ है और इस पर अब सुरक्षा तारों की कार्रवाई की जाएगी। अभी तक इस प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है, क्योंकि इस प्रकार की कार्रवाई नहीं होने से दुर्घटना की संभावनाएं बनी रहती हैं। सुरक्षा तार होने से अगर किसी प्रकार से तार अगर टूट जाता है तो वह वो जो जाली लगी होती है तारों की उसमें वह गिर जाता है और नीचे सड़क पर नहीं गिरता है और दुर्घटना नहीं हो पाती है। परंतु अभी तक किस प्रकार से सुरक्षा तारों की व्यवस्था नहीं की गई है। महत्वपूर्ण यह है कि क्या दुर्घटना का इंतजार किया जा रहा है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस प्रकार से बिना सुरक्षा तार के 11 केवी के तार सड़क के इस पार से उस पार कर दिए गए हैं। अपने शहर अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।